विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जन अधिकार पार्टी के चुनाव चिन्ह हॉकी को बदल के कैंची छाप करने को लेकर पूरे बिहार में चुनावी जंग छिड़ गई है। लगातार जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र की सरकार और राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। आज प्रेस वार्ता करते हुए जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया यादव ने क्या कहा, आइए सुने। यह जदयू की सरकार है, उन्होंने चुनाव चिन्ह को बदलकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। पहले जो हॉकी बॉल था वो तो हर घर में नहीं था, लेकिन इस बार जो कैंची चुनाव चिन्ह हम लोगों को आवंटित किया गया है वो तो हर घर में औरतों के पास है, स्त्रियों के पास है, इसलिए हमारी राह को उन्होंने और ज़्यादा आसान कर दिया। और जहाँ तक बात है अभी की जो जुमलेबाजी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो लोगों को ठग रही है, विद्यार्थियों को ठग रही है, रोजगार वालों को जो आज बेरोजगार बना रही है, हमारी सरकार जब पार्टी में आएगी तो सभी बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी और लॉ एंड ऑर्डर जो है 48 से 72 घंटा के अंदर पूरी तरह से ठीक करने का काम करेगी। क्या नाम है आपका? कुणाल यादव, उपाध्यक्ष नालंदा जिला, जन अधिकार। केंद्र और बिहार सरकार की मिली गंदी राजनीति है, साजिश है। चुनाव के कुछ दिन शेष रह जाने के पहले ही उन्होंने चुनाव चिन्ह पार्टी का बदलवा दिया। अब जो चुनाव चिन्ह मिला है कैंची छाप, उसी चुनाव चिन्ह के साथ पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी पूरी मजबूती और पूरे ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और इस जन विरोधी सरकार, माफियाओं के चंगुल में फंसी सरकार और जन विरोधी घमंडी सरकार को कैंची से ही कुतरने का काम करेगी।